चुनाव के मामले में आज सुनवाई हो, ओबीसी आरक्षण मामले में आज भी सुनवाई होगी। कल सुनवाई के बाद आज तक बढ़ाई गई था समय बढ़ाया गया था और निकाय चुनाव की अधिसूचना पर रोक आज तक बढ़ाई गई थी। कल राज्य सरकार ने दाखिल किया था शपथ पत्र। यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई आज भी होगी और इसी के साथ ही निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी करने पर कोर्ट ने आज तक रोक को और बढ़ा दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस डीके उपाध्याय और सौरभ श्रीवास्तव की बेंच में इस मामले में कुल दोनों पक्षकारों के वकीलों ने अपनी दलीलें पेश की। कोर्ट ने ओबीसी को आरक्षण देने की मांग वाली याचिका पर आपत्ति जताई, जिसमें कहा कि पीआईएल ठीक से नहीं दायर की गई है और इसके बाद कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल पीआईएल के मुद्दे पर सुनवाई होगी। राज्य सरकार की ओर से मामले में भी शपथ पत्र दाखिल किया गया है। और निखिल लगातार लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल, निकाय चुनाव को लेकर जो कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई थी, उसके बाद कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई भी होगी हुई, कल सुनवाई हुई, सरकार की तरफ से शपथ पत्र दाखिल किया गया, आज भी दोनों पक्षों की तरफ से अपनी बातें रखी जाएंगी। आज कोर्ट की तरफ से माना जा रहा है कि इस मामले को लेकर फैसला आ सकता है, लेकिन सरकार की तरफ से कल जब सुनवाई शुरू हुई तो क्या कुछ शपथ पत्र में बातें कही गई? देखिए, 11 बजे माना जा रहा है कि कोर्ट में इस मामले की हियरिंग शुरू होगी। 2017 में जो सर्वे किया गया था ओबीसी के आरक्षण पर, इसी के आधार पर जो रायबरेली के समाजसेवी पिटिशनर है, उसने सरकार से बहुत सारे बिंदुओं पर जो है जवाब मांगा था। उसका ये कहना था कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर ओबीसी के आधार पर जो आरक्षण किया गया है उसमें नियमों की अनदेखी की गई है, उसमें वास्तविकता में सर्वे नहीं किया गया और उसके आधार पर रिपोर्ट भी तैयार नहीं किया गया। तो ट्रिपल जो है वो सर्वे होना था इसमें, और सरकार ने माना था कि जो सर्वे सरकार की तरफ 2017 में कराया गया है उसमें सभी नियमों को ध्यान में रखकर सर्वे को कराया गया। तो इसको लेकर रायबरेली की एक समाजसेवी ने पिटीशन दाखिल की थी कोर्ट में, जिस पूरे मामले की सुनवाई लगातार चल रही है। पिटीशन दाखिल होने के बाद ही जो कोर्ट थी उसने इस पूरे मामले में, जब तक पूरे मामले का फैसला ना हो जाए तब तक निकाय चुनाव की तारीखों को ऐलान को लेकर स्टे एक तरह से दिया हुआ है। तो आज इस पूरे मामले में फाइनल हियरिंग है। कल इस पूरे मामले में कोर्ट में सरकार ने अपना सभी पक्ष, सभी सवालों के जवाब शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत कर दिए थे। कल इस मामले को लेकर दोनों पक्षों में जो है वो सवाल जवाब भी हुए थे, आज भी माना जा रहा है सवाल जवाब के बाद अब इस पूरे मामले में फैसला आ जाएगा। पूरी उम्मीद है कि आज शाम को जब फैसला आएगा तो ये तय हो जाएगा कि चुनाव आखिर कब होंगे नगर निकाय। लेकिन उसके साथ ही इसका एक पहलू ये भी है कि जब पिटीशन, ठीक है निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। चले बढ़ते हैं आगे, लखनऊ से एक और बड़ी खबर है। सीएम योगी ने बुलाई अहम बैठक, नमामि गंगे बोर्ड की बैठक बुलाई गई है, कुछ देर में लोक भवन में ये बैठक होगी। आज लखनऊ में नमामि गंगे बोर्ड की अहम बैठक है, कुछ देर में लोक भवन में ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक कुछ देर में शुरू होगी। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, नमामि गंगे बोर्ड की तरफ से आज अहम बैठक बुलाई गई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में ये बैठक होगी। नमामि गंगे के उद्देश्य को लेकर अभी तक जो काम हुए हैं इस परियोजना के जरिए उनको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी।